वक्त की बड़ी खबर सामने आई है लुधियाना से, जहां आज सुबह शहर के कैलाश नगर में आरएसएस नेता रविंद्र गोसाई की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि 60 वर्षीय रविंद्र की हत्या तब की गई जब वे शाखा से लौट रहे थे। आरोपियों ने उन पर पीछे से दो गोलियां बरसाई, जिसमें से एक गोली उनकी गर्दन व दूसरी पीठ पर लगी, जिससे रविंद्र गोसाई की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जांच कर रही पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से अहम सुराग मिले हैं, जिनमें हमलावरों की तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। 7:10 शाखा तो आए हैं, शाखा तो आने तो बाद बार कुत्ते उन्होंने बिस्कुट पाते डेली आके बिस्कुट आके कहते मैं बिस्कुट पा चला। मैं आया और बड़े ब्रदर का बेटा कहता पापा मैं पेंसिल लेनी है, पेंसिल लैन चला गया उन्होंने बाहर थड़ी तो बह गए। मैं पापा मेरे बेटे भी ला जाइयो, मैं बाहर खड़ा गेट जवाब नाले मैं यूनिफॉर्म पाने अंदर लेके आया। मैं चल यूनिफॉर्म पा के फिर चली नाल ही बार दो गोलियां दो फायर की आवाज आई है बाहर गया पापा डिगे हुए थे। बेटा गुड़िया हाथ से छोटी पोती तो वाला बेटा अंदर आया पजा उन्होंने मैं दसा कहता बाबा चाचू बाबू ने गोलियां मार गई। पता ही लगे सर बाइक तो एड्डी तेज निकले ना वो सीसीटीवी आ गई फुटेज उन्होंने मोड़ने से दोनों दो जने से एक ने चेक जेल्ट पाई थी पल्सर बाइक है। आज तकरीबन 7:45 ये वारदात हुई है लुधियाना में, और इसमें रविंद्र गोसाई जो कि आरएसएस शाखा से आ रहे थे, तो जब घर पहुंचे तो दो मोटरसाइकिल सवार आए और उन्होंने उनको घर एंटर करने से जस्ट पहले गोली मारी और उनकी डेथ हो गई। हम मौके पर पहुंच गए और इसमें अभी अगली कार्रवाई करेंगे।